छाबड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे बेसन लिया है, जिसमें हमने लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक डाल के तैयार कर लिया है। हमने यहाँ पे 3 पोटैटो लिए हैं, जिसको हमने आधा बॉईल किया है और उसकी स्लाइस कर दी है। आप इसे एक विसल बजने तक बॉईल होने दें। 2 बड़े चम्मच लहसुन की पेस्ट, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच, ऑयल ग्रेवी के लिए। हमने यहाँ पे ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे, उसके लिए हम एक बाउल में लहसुन की पेस्ट ले लेंगे, उसमें लाल मिर्च डालेंगे, गरम मसाला, सॉल्ट एज पर टेस्ट, ऑयल लेंगे। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ऑयल हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। दाबड़ा गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी है और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। लीजिए, तो हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। दूसरी ओर हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले पोटैटो स्लाइस लेंगे हम, उसके ऊपर हमने जो ग्रेवी तैयार की है वो लगा लेंगे और उसके ऊपर हम दूसरी स्लाइस लेके इसे ढक देंगे। ऐसे ही दूसरी भी तैयार कर लेंगे हम। दाबड़े में सबसे ज्यादा टेस्ट लहसुन की पेस्ट का ही आता है, इसे हमें अच्छे से लगाना है। ऐसे ही बाकी स्लाइस भी हम तैयार कर लेंगे। अब देख सकते हैं साइड में से ये कितनी अच्छी लग रही है। हमारे बेसन की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए कि हमारा दाबड़ा पूरा कवर हो जाए। अब हम रेडी की हुई स्लाइस लेंगे और इसे बेसन में डिप करेंगे। हमें इसे अच्छे से कोट करना है। इसे हल्के हाथों से ही हम कोट करेंगे ताकि हमारी स्लाइस कहीं खुल ना जाए। अब देख सकते हैं ये पूरा कोट हो गई है। इसे ऑयल में फ्राई होने के लिए रख देंगे। ऐसे ही सारे दाबड़े भी हम ऑयल में फ्राई होने के लिए रख देंगे। इसे चारों ओर से कोट कीजिए अच्छी तरह से, वरना हमारे दाबड़े में से जो चटनी हमने तैयार की हुई है वो सारी निकल जाएगी। इसे एक एक करके पलटा लेंगे हम। पलटाते हुए इसे फ्राई कर देंगे। आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर के हो चुके हैं। इसे अब हम एक प्लेट में ले लेंगे। मानसून के लिए गर्मा गर्म दाबड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको ऐसी ही कोई रेसिपी सीखनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, हम आपकी कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे।